हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? अब होगी मेरी ब्लॉग की शुरुआत और बज चुके हैं 10:30। अभी तक नाश्ता कुछ लोगों ने किया है, कुछ ने नहीं किया है। मैंने तो कर लिया है, संडे को लेट हो ही जाता है। संडे मतलब फुल डे बिजी। तो अभी एक दो जनों का नाश्ता रह रहा है करने से, और बारिश का मौसम हो रहा है आज भी। तो संडे में घर के जो पेंडिंग काम होते हैं वो भी निपटाने होते हैं, और वैसे ही पूरा दिन बिज़ी रहते हैं क्योंकि देर से उठते हैं। और हमारे बच्चों की एक हफ्ते की छुट्टी और पड़ गई है, कांवड़ ब्रेक, कांवड़ चल रहे हैं तो फिर जगह जगह रास्ते जाम लगे हुए हैं, तो इसलिए कांवड़ ब्रेक हो गया है, छुट्टी हो गई है बच्चों की स्कूल की। तो अभी एक हफ्ता और ये घर पर ही रहेंगे, तो एक हफ़्ता रूटीन ऐसे ही रहेगा मेरा। तो आज कुछ पेंडिंग काम निपटाने की सोच रही हूँ, पर बारिश इतनी हो रही है तो कुछ पेंडिंग काम निपट नहीं आ रहे। कुछ मार्केट के काम भी पड़े हैं तो वो भी नहीं हो पा रहे। सुबह शाम बारिश इतनी हो रही है, रोज़ बारिश हो रही है, तो मेरे काम नहीं हो पा रहे हैं। देखो आज टाइम मिलता है तो कुछ पेंडिंग काम करती हूँ। और अब नाश्ते के बाद फिर लंच का टाइम हो जाएगा, फिर लंच बनाना है। आज मैं लंच में बनाऊंगी कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते बनाऊंगी, सबको बहुत पसंद है। मौसम भी ठीक हो रहा है तो गर्मी भी नहीं लगेगी, तो आज लौकी के कोफ्ते बनाते हैं दिन में। इधर ये आम भिगो के रख दिए हैं बाल्टी में, तो दोपहर को आम भी खाए जाएंगे। भिगो के रख दिए मैंने, और ये घड़ा भी रखा हुआ है। घड़े का पानी पीते हैं ज़्यादातर हम लोग, फ्रिज का पानी मैं तो बिल्कुल नहीं पीती हूँ फ्रिज का पानी। अब इनके लिए मैं चाय बना रही हूँ ये। और मैं थोड़ी देर के लिए छत पर आई थी छत का नज़ारा देखने के लिए, तो हमारी छत से ये पहाड़ दिख रहे हैं। मनसा देवी और चंडी देवी दोनों के पहाड़ दिखते हैं हमारी छत से, तो पूरे हरे पहाड़ दिख रहे हैं ये। हमारे यहाँ से मनसा देवी भी दिखती है, तो देखो कितने सुंदर। बरसात बारिश के बाद तो पहाड़ और ज़्यादा सुंदर लगते हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर आई थी। टमाटर इस समय बहुत महंगा हो रहा है और मुझे बनाने हैं कोफ्ते, तो कोफ्ते कसली है। और टमाटर का अब समझ में नहीं आ रहा कितने टमाटर डालूं। 120-160 रुपए किलो टमाटर हो रहे हैं, तो जिस सब्ज़ी में 3 टमाटर डाल देते हैं वो उसमें सोच के डालना पड़ रहा है 1 या 2 टमाटर। तो टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, और कोफ्ते जैसी चीज़ें तो अच्छी थी, टमाटर प्याज की ग्रेवी अच्छी बनती है। जब तक टमाटर अच्छे ना हों तो ग्रेवी बढ़िया नहीं बनती है। अब इसमें कम से कम 3 टमाटर तो मैं डालूंगी। अब मैं कोफ्ते बनाने शुरू कर रही हूँ, 12:30 बज गए हैं, तो कोफ्ते बनाने में टाइम लगता है। तो ये मैंने लौकी कसली है, इसको इसका पानी निकाल रही हूँ, इसमें फिर बेसन और सारे मसाले डाल के फिर कोफ्ते बनाती हूँ। फिर इसके बाद इसको ग्रेवी भी तैयार करनी है, तो अब ये मैं इसमें बेसन डालकर सारे मसाले डाल दूँगी और फिर बनाती हूँ कोफ्ते।
मैं कोफ्तों में मलाई डालती हूँ, 2-3 चम्मच मलाई डाल देती हूँ, जिससे टेस्ट और अच्छा आ जाता है। तो मलाई डाल के मुझे कोफ्ते और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब ग्रेवी भुन जाती है तो उसके तेल छोड़ने लगते हैं, तो उसके बाद में इसमें मलाई डाल देती हूँ, तो बहुत टेस्टी कोफ्ते बनते हैं। तो अब मैं इस मसाले को भून रही हूँ। अभी ग्रेवी तैयार हो गई है, अब इसमें मैं सब्जी मसाला डाल दूँगी। MDH का सब्जी मसाला है ये, तो वो मैंने डाल दिया, इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं सब्जी मसाला डाल के अच्छा बस इसमें अब पानी डाल देती हूँ। जितना अपने हिसाब से जितना तुम्हें डालना है पानी, मैं चावलों के साथ बना रही हूँ, हमारे घर में चावलों के साथ सब पसंद करते हैं कोफ्ते, तो उसी हिसाब से मैं इसमें पानी डालूँगी। तो अब मेरी ग्रेवी भी तैयार हो गई है, पानी डाल दिया, उबाल आ जाएगा तो कोफ्ते डाल दूँगी। तो कोफ्ते भी बन गए हैं, और इधर मैंने ये आटा भी गून दिया है, उनके रख दिया है यहाँ, और इधर चावल भी भिगो दिए हैं। बस चावल बनानी है और फिर रोटी बनानी है। अभी टाइम हो रहा है 1:10 हो चुका है, तो खाना मैंने तैयार कर दिया है, बस चावल बनाने हैं। 2 बजे के करीब खाना खाया जाएगा। खाने का काम हो गया है और मैंने किचन भी साफ़ कर दी है, तो अब काम निमट गया है। 3:30 बज चुके हैं, 3 बजे तक ही मेरा काम होता है। अब बैठ के देखेंगे मूवी। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए।